अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाएंगे सिंपल और इजी स्पंज केक, वो भी बिना ओवन के। बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी केक बनेगा और आप इसे किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकती हैं, जैसे कि क्रीम वाले केक में, या फिर आप इसे कस्टर्ड ट्रैफल में यूज़ कर सकती हैं, और या फिर आप इससे पेस्ट्रीज़ भी बना सकती हैं। यह आप देख सकती हैं कि बहुत ही फ्लफ़ी केक बना है। तो ये आज हम पतीले में बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम पतीले को प्री हीट करेंगे। पतीले में मैं नमक डाल रही हूँ, तकरीबन 2 कप के करीब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक डाल लेने के बाद हम इसके ऊपर कोई सी भी ऐसी जाली रखेंगे, कोई वायर रैक रख लेंगे, और इसको हम प्री हीट करेंगे लो हीट पर तकरीबन 15 से 20 मिनट। और जो हमारा केक पैन है तो इसको हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल या बटर से। ब्रश की मदद से आप हर तरफ बटर लगा लें, और इसके बाद हम इसके ऊपर पार्चमेंट पेपर लगाएंगे। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो आप सिंपल बटर लगाने के बाद इसके ऊपर खुश्क मैदा छिड़क कर इसे डस्ट ऑफ कर दें। तो ये हमारा केक पैन रेडी है। सबसे पहले हम 4 अदद अंडे लेंगे, मीडियम साइज़ के, रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर होना मस्ट है। इसको हम बीट करेंगे अच्छी तरह से, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको अच्छी तरह से बीट करने में। इसको तब तक बीट करना है जब तक कि ये अच्छे से फ्लफ़ी ना हो जाए। ये आप देख सकती हैं कि अंडे फ्लफ़ी होना शुरू हो गए हैं। 3 से 4 मिनट तक बीट कर लेने के बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी मैं यहाँ पे पाउडर शुगर ले रही हूँ, 1 कप के करीब मैं यहाँ पे पाउडर शुगर लूँगी, और इसको थोड़ा थोड़ा करके अंडों में डालती जाऊँगी। साथ ही हम बीट करते जाएंगे, चीनी डालते जाएंगे और साथ ही हम इसको बीट करते जाएंगे। तब तक बीट करेंगे जब तक कि ये अच्छे से फ्लफ़ी और क्रीमी ना हो जाए। ये आप देख सकती हैं मिक्सचर हमारा अच्छी तरह से क्रीमी हो गया है। अब हम इसमें वेनिला एसेंस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे वेनिला एसेंस इसमें ऐड करूँगी, और इसे फिर से बीट करेंगे। मिक्स करने के लिए याद रखें इसको ओवर बीट नहीं करना। बस जैसे ही आपको लगे कि मिक्सचर हमारा क्रीमी और थिक हो गया है तो तब हम इसकी बीटिंग रोक देंगे। अब हम मैदा लेंगे, फ्लार, 1 कप में ऑल पर्पस फ्लार यानी कि मैदा ले रही हूँ, और 1 टीस्पून में बेकिंग पाउडर लूँगी। दोनों को मैं इस तरह बॉल में मिक्स करूँगी, और इसके बाद हम इसे छान लेंगे और इस तरह इसे सिफ्ट करते जाएंगे। मिक्सर में हमने इसे सिफ्ट कर लेना है, लेकिन एकदम से ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा ही करना है। थोड़ा सा मैदा हम इसमें सिफ्ट करेंगे और इसे अच्छी तरह से हल्के हाथों से ऐसे करके फोल्ड करते जाएंगे। याद रखें बहुत ज़्यादा आपने इसको ज़्यादा इसको बीट नहीं करना, या हाथों का इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना। हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करते जाना है ऐसे करके, रबर स्पैटुला से, या फिर आप इसे वुडन स्पून से भी मिक्स कर सकती हैं। बीच में मैं इसमें 1 टीस्पून हनी यानी कि शहद डाल रही हूँ। ये इसलिए कि बाद में इसमें से अंडों की स्मेल ना आए। ये एक टिप है, आप इसे ज़रूर फॉलो करें। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, हल्के हाथों से हम इसे फोल्ड करते जाएंगे, और अब हम इसे ग्रीस किए हुए केक टिन में ऐड करेंगे। ये केक टिन में यहाँ पे 6 इंच का ले रही हूँ। अब हम इसको अच्छी तरह से ऐसे करके टैप करेंगे, और ये पतीला हमारा प्रीहीट हो चुका है। अब हम इसमें केक को रखेंगे। केक को रख लेने के बाद हम इसे अच्छी तरह से कवर करके बंद करेंगे, और इसको लो टू मीडियम हीट पर पकाना है हमने। पहले के 2-3 मिनट आप इसे हाई हीट पर पकाएं, और बाद के तकरीबन 13 मिनट आप इसे लो टू मीडियम हीट पर ही पकाएं। इससे ज़्यादा अगर आप पकाएंगी तो इसका कलर डार्क ब्राउन हो जाएगा, इसका कलर अच्छा नहीं आएगा।
15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकती हैं कि केक हमारा रेडी है। आप इसे हाथों से इस तरह करके टैप करके भी देख सकती हैं। इसके बीच में आप इस तरह करके हाथ उंगली लगाएं और अगर ये केक आपका फ्लफ़ी है तो ये बनके तैयार हो गया है, नहीं तो आप इसमें टूथपिक या फिर वुडन स्क्यूअर भी इंसर्ट करके देख सकती हैं। केक को हम ठंडा कर लेंगे अच्छी तरह से। तकरीबन 10 मिनट तक केक को हमने ठंडा कर लिया है और अब हम इसे पैन से निकालेंगे। ये सारी मेजरमेंट्स जो मैंने आपको बताई हैं ये 6 इंच के केक पैन के लिए थी। अगर आपका केक पैन बड़ा है तो आप इसकी क्वांटिटी डबल या फिर 1.5 भी कर सकती हैं। इसका पार्चमेंट पेपर हम रिमूव कर देंगे और ये सिंपल सॉफ्ट और बहुत ही झटपट बनने वाला हमारा स्पंज केक रेडी है। यहाँ पे मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। इसमें हमने कोई भी बटर या फिर कोई भी ऑयल वगैरह यूज़ नहीं किया क्योंकि ये बेसिक स्पंज केक है जिससे कि हम नॉर्मली क्रीम केक पाइनएप्पल केक वगैरह बनाते हैं, तो इसमें हम बटर वगैरह यूज़ नहीं करते ना फिर ना ही हम इसमें ऑयल यूज़ करते हैं। ये आप देख सकती हैं कि केक हमारा कितना सॉफ्ट है, कितना स्पंजी है। तो ये हमारा सिंपल और इजी स्पंज केक रेडी है। आप इसे अपनी किसी भी डिश में यूज़ कर सकती हैं। कोई भी स्वीट डिश आप बनाना चाहें और उसमें केक यूज़ होता हो तो आप उसमें ये यूज़ कर सकती हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे ट्राई कीजिए, बनाइए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।